हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्वेटर का पैटर्न लेकर आई हूँ। ये चार सिलाइयों का है, तो आइए देखिए ये बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले से ही तीन सिलाइयाँ जो हैं, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, पूरी सिलाई ऐसे ही रिपीट की है। और बैक साइड से पीछे से जो जैसे दिखते हैं वैसे ही है। पहले फंदे को उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, तो इस तरह मैंने तीन सिलाइयाँ बना ली हैं। अब चौथी सिलाई में आपका जो है डिज़ाइन है, इसे क्या करना है, पहले फंदे को आपने स्लिप कर लेना है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये बिग लूप है, बड़े वाला लूप है, इसके साइड से, राइट साइड से एक नया लूप बनाएंगे ऐसे, और ये सेकंड जो अगला फंदा है इसको ऐसे सिलाई में उतार लेना है, और इसके लेफ्ट साइड से भी एक फंदे को लॉन्ग लूप को बना लेना है। ऐसे बनाने के बाद आपने तीनों फंदों का बैक साइड से एक बना लेना है, और दो फंदे आपके उल्टे। फिर से देखिए, ये जो आपका बड़ा लूप है, एक दो तीन, नीचे से तीसरा, इसके राइट साइड से एक नया लूप उठाना है। फिर इस फंदे को आपने ऐसे उतार लेना सिलाई में, फिर इसके लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ से एक लूप और बना लेना है। यानी कि एक फंदे के आपने तीन बना लेने हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से। फिर तीनों को बैक साइड से एक फंदा बना लेना है, क्योंकि ये हमारे दो फंदे बड़े हैं, तो इसे यहाँ पर घटा देना है। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। इस फंदे के राइट साइड से बनाएंगे पहले एक नया लूप, इस फंदे को सिलाई में उठाएंगे, फिर इसके लेफ्ट साइड से बनाएंगे, और तीनों फंदों का बैक साइड से एक बना देंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। फिर से देखिए, ये आपका बिग लूप है, इसे आपने यहाँ से उठाया, इस फंदे को आपने ऐसे सिलाई में लिया, फिर इसके लेफ्ट साइड से एक और फंदा बनाया, और इन तीनों फंदों को बैक साइड से एक बना देना है। दो फंदे उल्टे, फिर से आपने नीचे से लॉन्ग लूप बनाया, इसे उठाया, फिर एक लंबा लूप बनाया, और इसे तीन का एक बना दिया। देखिए, नीचे से एक फंदे को बनाया, सेकंड को सिलाई में लिया, और एक नीचे से, और तीन फंदे बने, तीन फंदों का एक बना देना, और दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधे। उल्टी तरफ से आपने क्या करना है, जो जैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टा जो फंदा आगे से सीधा उसे उल्टा बनाना है, जो उल्टे थे उन्हें सीधा बनाना है। इसमें आपके दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा जाएगा। हर सिलाई उल्टी आपकी ऐसे ही बनेगी, एक उल्टा, दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर इस तरह से दिखाई देगा। अब आपने दो सिलाइयाँ प्लेन बनानी है, यानी कि एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टा, पूरी सिलाई ऐसी करनी है। ऐसे बैक साइड से जो दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे, तीन सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से आपने यही रिपीट करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, पहली रो में जो बताया था। तीन फंदों का एक बनाना है, और फिर ये तीनों का पीछे से एक बना देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ डिज़ाइन है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियो, शेयर एंड शेयर। धन्यवाद।